टॉप 5 बेस्ट पावरफुल 5G गेमिंग स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। सो हे फ्रेंड्स, अगर आप भी आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई लेटेस्ट और एडवांस टाइप का 5G स्मार्टफोन चाहते हैं जहां पर आपको बेहतरीन लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाए, सो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नए तो कुछ पुराने स्मार्टफोन्स लेकर आए हैं जहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले तो गेमिंग के मामले में काफी कमाल का पैकेज है, और ये स्मार्टफोन यहाँ पर पोको का X6 नियो 5G। बात करें इस फोन की तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है। हालांकि बैक में आपको यहाँ पर मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ 7.7mm की थिकनेस और 175g के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है, और इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है। इन सभी के अलावा IP54 का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन वाला फीचर भी आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, और जैसा कि हमें आईकू के लुक देखने को मिलते हैं, कुछ वैसा ही लुक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंच की एक फुल एचडी प्लस वाली 10 बिट की एमोलेड पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहां पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, 120 Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। वैसे अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से फोन काफी अच्छा देखने को भी मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर सिर्फ 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ 108 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक टैप सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप फोन का ठीक है, और डे लाइट पे फोटोज भी आपको अच्छी मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो क्वालिटी की, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 fps। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6080 का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है आम वाले G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराने में कैपेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंतितु पर लगभग 4.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर डिसेंट लेवल की गेमिंग करा सकता है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर डेली यूजर्स में भी कोई शिकायत नहीं आती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, 33 वॉट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पर हम कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर ले, तो आपको यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स। लेकिन दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, अगर हम बात करें कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर, तो ये अच्छी बात है, जहां पर आपको पोको की कस्टम स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो यहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपए, बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते तो ये फोन इफेक्टिवली आपको सिर्फ 15,000 रुपए के अंदर ही मिल जाएगा। और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो काफी अच्छा ऑप्शन है, और ये फोन है यहाँ पर मोटोरोला का G64 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे दिए गए। साथ ही साथ ये फोन 8.9mm की थिकनेस और 192g के साथ में आता है। सो देखा जाए तो ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा बल्की भी नहीं है, तो इन हैंड फीलिंग में फोन काफी अच्छा रहता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर फोन की अच्छी है, आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। सो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है, जैसा कि हमें मोटो के G54 में देखने को मिल जाती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलते।
चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में आपको यहाँ पर OIS जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन सभी के अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा, जो कि आपको डेप्थ और मैक्रो फोटो खींचने में भी काफी मदद करता है। सो देखा जाए तो यहाँ पर आपको लगभग एक कंप्लीट सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी निकल कर आती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6 NM बेस MediaTek Dimensity 7025 का चिपसेट, जिसे अगर हम कंपेयर करें Moto G54 से तो यहाँ पर आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है। यहाँ पर यह स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो मीडियम लेवल की गेमिंग आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यहाँ पर आपको LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 30 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो नॉर्मल यूजिंग पर आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है और आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी ट्यूनिंग आपको मिल जाएगी डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। और यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर एक साथ में एक 5G SIM या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है मोटोरोला का MyUX का सपोर्ट। लेकिन इस बार आपको थोड़े से डॉटपैड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हालांकि आप उन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको 3 साल के और भी सिक्योरिटी पैचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखेंगे तो ये कंप्लीट पैकेज है मोटोरोला की तरफ से। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च वीवो का T3X5G। बात करें इस फोन की तो दोस्तों ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। हालांकि पिछले वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर डिजाइन थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही 8mm की थिकनेस और 199 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है। और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिल जाएगी, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है और फोन का लुक भी काफी कमाल का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी दी गई। और अच्छी बात यह है कि वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि और भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको दिया गया 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात यहाँ पर आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती हैं। फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट मोड्स दिए गए, तो ये अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपको यहाँ पर कोई OIS जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1080p पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर EIS का फीचर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम Vivo T2X से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर स्लाइटली बेटर इमेजेस देखने को मिल जाती हैं, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 का चिपसेट, और दोस्तों ये इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला काफी कमाल का चिपसेट है। ये अंततः पर लगभग 5,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर है। साथ ही आपको यहाँ पर एड्रेनो 710 का GPU देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपको HD ग्राफिक्स पर हाई क्वालिटी की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है। और हाँ भाई, वीवो की तरफ से काफी बड़ी बात है। साथ ही साथ ये फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है, तो 15,000 रुपए के अंदर देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ, आपको यहाँ पर बैकअप भी काफी अच्छा मिलता है।
चलिए अब बात करते कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया, और हाँ आपको यहाँ पर ड्यूल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में, तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 14 बेस्ड फन टच ओएस 14 पर। यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटर्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो इसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात अपडेट्स की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, और पॉसिबली आपको यहाँ पर 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले। रही बात यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 13,499 रुपए, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 12,499 रुपए की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर iQOO का Z9X भी देख सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी सेम स्पेसिफिकेशन और सेम फीचर्स के साथ में मिलता है। और अच्छी ये बात है कि आपको ये स्मार्टफोन 500 रुपए सस्ता ही मिल जाएगा, सो अगर आप iQOO पर ट्रस्ट करते हैं तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। और दोस्तों लिस्ट का अगला फोन है यहाँ पर Realme की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Realme का P1 5G। बात करें फोन की, तो दोस्तों यहाँ पर ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, साथ ही साथ IP54 यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 7.9 mm की थिकनेस और 188 ग्राम्स का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो फोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और रही बात डिजाइन की, तो डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों ये फोन आता है 6.67 इंच के फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल के साथ में, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, और 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ अगर हम बात करें गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। इतना ही नहीं आपको यहाँ पर वाइड बाय नेबल का सपोर्ट भी मिल जाता है, और देखा जाए तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी डिस्प्ले काफी अच्छी है। सो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, जहाँ पर सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर लगा हुआ है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा कैपेबल सेंसर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात कैमरा आउटपुट की दोस्तों, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी निकल कर आती है, तो डे लाइट में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 fps, लेकिन 4K की वीडियो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो अगर आपको थोड़ी सी स्टेबल वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर 1080p यानी कि फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 fps। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो कैमरा परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की मेन हाइलाइटेड फीचर यानी फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट। और दोस्तों ये पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको 15,000 रुपए के अंदर इतना पावरफुल चिपसेट देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए आम वाले G68 MC4 का 4 कोर का GPU देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 6 लाख प्लस के ऊपर स्कोर करता है, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही कमाल के स्कोर है। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में फोन यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं देता। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 45W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है, सो ये भी काफी अच्छी बात है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो पॉसिबली आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 14 बेस्ड रियलमी UI 5.0, तो फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी अच्छी रहती है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात, आप यहाँ पर चुपके से किसी की भी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिना सामने वाले को बताए। और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट का सपोर्ट मिलेगा और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले।
सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपए। बट दोस्तों बैंक ऑफर्स पर ये स्मार्टफोन इजीली आपको 15,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो रियलमी की तरफ से आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहें, कैमरा के लिए लेना चाहें या फिर बैटरी परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहें तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात करें लिस्ट के आखिरी फोन की, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर नेक्स्ट लेवल की गेमिंग कराने में कैपेबल है। ये स्मार्टफोन यहाँ पर नथिंग की तरफ से आने वाला CML फोन 1। बात करें इस फोन की दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम होगी, प्लास्टिक का बैक आपको मिलेगा और कुछ के अंदर आपको यहाँ पर इको लेदर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और यूनिक फीचर है कि आप स्मार्टफोन के बैक को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा IP52 की रेटिंग मिल जाएगी, तो वाटर डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस और लगभग 200 ग्राम का है, तो यहाँ पर आपको इन हैंड फीलिंग में भी कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर फोन का लुक और डिजाइन देखते हैं तो डेफिनेटली फोन काफी ज्यादा यूनिक है। चलिए अब बढ़ते हैं फोन के डिस्प्ले की तरफ। और स्मार्टफोन के अंदर लगी हुई 6.6 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड पैनल, जहां पर आपको 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। एसडीआर 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी आपको दिया गया है। और साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाएगी, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको दो कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। और यहाँ पर आपको मिलता है सोनी का IMX882 वाला सेंसर। इसी के साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो यहाँ पर देखा जाए तो फोन का कैमरा सेटअप अच्छा है, आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन रही बात इमेज क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर इसे अबो एवरेज कैमरा स्मार्टफोन कह सकते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो गाइस बैक साइड से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS, और फ्रंट से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए अब बात करते हैं फोन के मेन हाईलाइटेड फीचर यानी कि फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस्ड MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट। और देखा जाए तो 20,000 रुपए के अंदर आने वाला एक काफी तगड़ा चिपसेट है, और ये स्मार्टफोन आपको और भी कम में प्रोवाइड कर रहा है, सो ये बहुत अच्छी बात है। बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन ऑनटू पर लगभग 6.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छे स्कोर हैं। रही बात गेमिंग की, तो आप यहाँ पर मीडियम से लेकर के हाई लेवल की सेटिंग पर गेमिंग इजीली कर पाएंगे। इन सभी के अलावा LPDDR4 SC रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 33W चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एडेप्टर देखने को नहीं मिलेगा। एडेप्टर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। साथ ही में आपको यहाँ पर सिंगल मोनो स्पीकर्स दिए गए, जिसकी ऑडियो क्वालिटी ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा आप नहीं कह सकते। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इन सभी के अलावा ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर, जहाँ पर आपको मिलता है नथिंग का अपना यूजर इंटरफेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, और ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात अपडेट्स की, तो आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा अगर 5G बैंड्स की बात करें, तो ये स्मार्टफोन को 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है। साथ ही में आपको यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 15,999 रुपए। और दोस्तों 12 जुलाई को स्मार्टफोन की फर्स्ट सेल है, जहां पर स्मार्टफोन पर 1,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, और उसे अप्लाई करके ये स्मार्टफोन आप इफेक्टिवली 15,000 रुपए कीमत पर परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये स्मार्टफोन हर किसी के लिए नहीं, जिसे सिर्फ यहाँ पर डिजाइन अच्छा लगता है, क्लीन UI चाहिए, साथ ही में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस सेटिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो आप स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बजट के अंदर एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 स्मार्टफोन जहां पर आपको बेहतरीन लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है, साथ ही 5G का सपोर्ट और दमदार स्पेसिफिकेशंस। सो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।